कुछ कहेंगे नहीं। जरूरी नहीं समझता मैं कुछ कहना। अब भी वक्त है भाई, आप अपने फैसले से पीछे हट जाएं। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, एक बार फैसला कर लूं तो फिर मैं ऑन करता हूं। आप जिनके लिए कंपनी तोड़ रहे हैं ना, उनके बैंक में पैसे आते ही वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। वो मेरे साथ रहती है या मुझे छोड़ के जाती है, ये उसका फैसला है। पर जो मैं उसके लिए कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है, इसलिए तुम मेरे और परीसा के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम अकेली खड़ी हो। खरे खोटे की एहतियात करना, क्योंकि अब से मैं तुम्हें गाइड करने के लिए साथ नहीं होगा। देखो बेटा, इस तरह से जमे जमाए कारोबार का टूटना, तकसीम होना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे यकीन है कि बाबर के साथ साथ नवीन भी बहुत परेशान होगी। वो ये सब कुछ मेरी वजह से ही कर रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मम्मी, मैं बाबर की जिंदगी में ना होती ना तो ये सारे मसले भी ना होते। क्यों, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों ना होती बाबू भाई की जिंदगी में? एक दूसरे के लिए ही बने आप दोनों, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए उनके प्यार पर और आपके लिए उनके स्टैंड लेने पर। बाबर के साथ में बहुत खुश हूँ शिशा। बात यह है कि वो अपने बिजनेस को लेके बहुत पोजेसिव है। अगर खत्म हुआ ना तो सिर्फ बिजनेस खत्म नहीं होगा, वो भी टूट जाएंगे साथ में। तो बेटा तुम ऐसा होने ही मत दो ना। तुम ऐसा करो, तुम हमजा से बात करो ताकि वो नवीन को समझाए। परेशान मत हो ना बेटा, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन बात फेस टू फेस कीजिएगा। हो सकता है इस सब के पीछे हमजा भाई का माइंड हो।